बहुत से लोग हैं जो मूली के पराठे बनाते भी होंगे, पर सबका तरीका अलग अलग होता है। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे तरीके से मूली के पराठे सीखें, जो बना सकते हैं उनको उनको भी अच्छा लगे, और जो नई तरीके नई हैं जिनको अभी रोटी वगैरह बनाना नहीं आता है उनके लिए भी मैं इजी तरीका सिखाऊंगी। मूली के पराठे के लिए हमने लिया है मूली, जिसको हमने धो के अच्छे से छील लिया है, और जिसको हम ये कद्दूकस करने वाले से अच्छे से छीन लेंगे, और ली थोड़ी सी हरी मिर्ची जिसको हम बारीक बारीक काटेंगे, हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक जिसको हम मूली के साथ ही कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस हम इसलिए करेंगे, हम बारीक बारीक भी काट सकते हैं, पर कई लोग होते हैं जो अदरक मुँह में आना पसंद नहीं करते, पर इसमें अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम अदरक कद्दूकस करके डाल देंगे, जिससे टेस्ट अलग नहीं पता लगता। ऐसे हम मूली को पूरा कद्दूकस कर लेंगे, और साथ में ये हम अदरक भी इसमें थोड़ा एक इंच काट के साथ में ही कद्दूकस कर लेंगे। अब ये मूली और अदरक को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और साथ में हरी मिर्च को हमने बारीक बारीक काट लिया है, और हमने लिया है हरा धनिया। अब हम इसको मूली को अच्छे से हाथ से ऐसे लेके दबा के इसका पानी अच्छे से निचोड़ देंगे। अगर आप हाथ से नहीं कर पाते, कई लोग हाथ से नहीं कर पाते जिनको हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मूली हाथ से निचोड़ने से कई बार हाथों में जलन भी करता है, तो आप कोई भी कपड़ा लेके उसमें डाल के अच्छे से निचोड़ के इसका पानी निकाल सकते हैं। चलिए अब हमने मूली का पानी अच्छे से निचोड़ लिया है, अभी हम ये मूली ले लेते हैं, इसमें मसाला कर लेते हैं। इसको अच्छे से खोल के इसमें मसाला डालेंगे, हरी मिर्ची। अगर आपके घर में कोई हरी मिर्ची नहीं खाता है तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। ये हमने धनिया डाला है, इसमें डालेंगे हम अजवाइन, अदरक और अजवाइन जरूर डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और पराठे से गैस नहीं होती। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च कम ही डालेंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है। जो तीखा पसंद करते हैं वो अपने हिसाब से इसमें मसाला डाल सकते हैं, मिर्ची कम या ज्यादा कर सकते हैं। कई लोग खट्टा खाना पसंद करते हैं तो इसमें आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम खट्टा नहीं खाते। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, इसको अच्छे से मिलाना है ताकि इसमें सारा नमक एक जगह ना रहे, सारा मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। कई लोग बहुत सारे मसाले डालते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, पर जितना मसाले ज्यादा डालो उसका पराठे का अपना फ्लेवर, मूली का अपना फ्लेवर उसमें कम हो जाता है। तो मेरे खानों में ज्यादातर मैं मसाले कम यूज करती हूँ, जो बेसिक मसाले होते हैं ज्यादातर मैं वही यूज करती हूँ। बहुत कम ही चीजों में मैं धनिया पाउडर और गरम मसाला यूज करती हूँ, और गरम मसाला भी डालती हूँ तो बहुत कम, थोड़ा सिर्फ फ्लेवर के लिए। और मेरे हिसाब से चीजें बनाएंगे कम से कम मसालों में, और जो ग्रेवी वगैरह होती है अच्छे से भून के, तो उसका अपना टेस्ट आता है, और आप बनाएंगे खाएंगे तो बताएंगे कि कैसी बनती है। चलिए अब हम तैयारी कर लेते हैं आगे की। गैस को ऑन कर लेते हैं, इसका आटा थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे, और थोड़ा उसमें आटा गूंथते समय थोड़ा नमक हम जरूर मिलाएंगे। पेड़ा लेके हम इसको ऐसे गोल गोल करके इस तरीके से थोड़ा अंदर घेर बना लेंगे उसका।
इसमें भरेंगे हम मूली का मसाला जो हमने बना के रखा है, और इसको अच्छे से, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से करेंगे ताकि हमारा पराठा फटे नहीं। ये हमने इसको इस तरीके से बंद कर लिया। अभी ऐसे करके ऐसे प्रेस कर देंगे हम, ताकि इसमें मूली एक सब तरफ एक साथ हो जाएगी, एक जगह नहीं रहेगी। और इसको हल्के हाथ से हम ऐसे बेलते जाएंगे। इधर हमारा तवा भी गर्म हो गया। आपको इच्छा हो तो आप तेल से सेक सकते हैं, आप चाहते हैं तो आप घी से सेक सकते हैं, पर मैं तेल से सेकना पसंद करती हूँ, क्योंकि घी से सेकने से घी की जो पौष्टिकता है वो खत्म हो जाती है, वो तवे में जल जाती है। उससे अच्छा है कि आप तेल में सेक के, भले तेल कम लगाइए, तेल में सेक के घी ऊपर लगाएं तो वो ज्यादा बेटर है। जो आराम से बसान बना सकते हैं ये उनके लिए है, और ये डबल परत वाला है जो आराम से नहीं बना सकते, जिनको थोड़ा भर के बनाने में थोड़ी मुश्किल पड़ती है। छोटे छोटे दो लोए लेके साथ साथ हम उधर दूसरा अपना पराठा भी सेकेंगे। इसको मूली को हम एक साथ भर लेंगे। इधर हमारा पराठा एक दूसरे साइड से भी सिक गया है। गैस थोड़ा सिम करके इधर तेल लगाएंगे अच्छे से। दूसरे साइड भी हल्का हल्का लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप ज्यादा क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो आप तेल में भी थोड़ा ज्यादा लगा सकते हैं। साथ साथ हम अपना दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं। इसको ऐसे भर के ये दूसरी लेयर ऊपर रख देंगे। इसको अच्छे से सब तरफ के किनारे से प्रेस कर देंगे, जिससे हमारा मसाला निकलेंगे। देखो, देखिए हमारा पराठा कितना मस्त सिका है। अभी इसमें ऊपर से हम देसी घी लगा देंगे। ऊपर से घी लगाने से टेस्ट भी अच्छा आता है इसका, और इसकी पौष्टिकता नष्ट नहीं होती है। चलिए हम अपना दूसरा पराठा बेल लेते हैं। चीजों को ज्यादा देर हम अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो हम उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, साथ साथ उसको संभाल देंगे।
जब तक दूसरी साइड से सिक रहा है तब तक हम इधर तेल लगाते हैं। देखो हमारा पराठा कितना बढ़िया बन के तैयार हो रहा है। अभी पराठा सूख जाने के बाद हम ऊपर इसको घी लगा देंगे। घी कम या ज्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब ये दोनों तरह के पराठे हमारे बनके तैयार हैं। आप जिस तरह से बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। आप जिस तरह से भी चाहें घी के दही के साथ, मलाई के साथ या बटर के साथ अपना पराठा खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। और कमेंट में हमारी वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।